महाराज जी आज आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और भाई साहब क्या इतना क्यों ला रहे हो, कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि लोकसभा आज मतदान हो रहा है? उत्तर हम दे देंगे लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी अंतरिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये खत्म तो होने दीजिए महाराज। एक इसका दे दें, देखिए जो प्रत्याशी हैं मौजूदा सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकमबेंसी है। प्रतापगढ़ लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं सबसे हमने महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होते, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी, 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान। राजा साहब हमारे साथ